अब सीधा रुख करते हैं भोपाल की ओर, जहां वीडी शर्मा पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस विजन को आज साकार रूप देने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए जन आकांक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना ही सुशासन की पहली शर्त है। हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो गुड गवर्नेंस का मंत्र अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, आज उस गुड गवर्नेंस के मंत्र को देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी साकार रूप देने का काम कर रहे हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए, यह सुशासन दिवस पर हमारा संकल्प हो, इसलिए यह लोगों की अपेक्षा है और यही अटल जी की भावना भी थी। आज इस भावना पर हम लगातार काम करते हुए स्वर्गीय अटल जी ने विकास में बुनियादी ढांचे के महत्व को पहचानते हुए, आपको ध्यान में होगा कि अटल जी ने दो बड़े काम इस देश के अंदर किए जो सीधे सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ देश के विकास से जुड़े। भारत का हर गांव सड़कों से जुड़ेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की संकल्पना और गांव गांव को सड़कों से जोड़ना, ये भारत के प्रधानमंत्री उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। और चित्रकूट कॉरिडोर की योजना, ये अटल जी का ही संकल्प था, अटल जी का ही विचार था, उनकी ही दिमाग में ये उपस्थित। तो इस दिशा में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की भी शुरुआत श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारतमाला परियोजना, पीएम गति योजना, देश के बुनियादी और क्षमताओं को बढ़ाने में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। सुशासन का अर्थ केवल विकास मात्र नहीं है, बल्कि प्रभावी, जिम्मेदार और लोक कल्याणकारी प्रशासन से संबंधित है। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वर्गीय अटल बिहारी जी की सरकार ने 2003 में 91वां संशोधन किया था। एक जवाबदेह और कुशल सरकार बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए माननीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस भारत के राजनीतिक इतिहास में एक माइलस्टोन निर्णय कदम उठाया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर कुल चुने हुए सांसदों से लोकसभा के सांसदों के कितने प्रतिशत मंत्रिमंडल में सदस्य रहेंगे, नहीं तो जितने मन में आ जाए उतने लोग मंत्रिमंडल के सदस्य बनते थे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे कि जिन्होंने मंत्रिमंडल के अंदर 15% सदस्य संख्या के ये कानून बनाने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के इतिहास में लोग केवल आदिवासी, जनजाति, गरीब, इसकी केवल बातें करने का प्रयास करते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब बनी तब उन्होंने जनजाति मंत्रालय ही उनके विकास, उनके डेवलपमेंट, उनके कल्याण के काम के लिए कोई स्वतंत्र मंत्रालय इस भारत के उस सिस्टम के अंदर नहीं था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय जनजाति कार्य मंत्रालय की अलग से स्थापना करके कहा था कि आदिवासी भाई और बहनों के विकास के लिए हम मात्र प्रतिबद्ध नहीं है, हम इसे साकार रूप देना चाहते हैं, जो आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको ध्यान में होगा कि जिस प्रकार से वैल्यू एडेड टैक्स की शुरुआत ही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, कर प्रणाली में बदलने के लिए दूरदर्शिता दिखाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जीएसटी के क्रियान्वयन को आगे ये बढ़ाई है, इसी प्रकार से मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस ये कंसेप्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज मंत्रिमंडल की व्यवस्था में जो लागू किया गया है, तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस प्रकार के कंसेप्ट को दिया था। सूखा, बाढ़, इस प्रकार के कई प्रकार की इम्यूनिटी जो होती थी देश के अंदर, इस पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रभावी काम करना प्रारंभ किया,
तो इसके बारे में आज मैं बताना चाहता हूं कि नदी जोड़ो अभियान।